स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ क्लास आई एम सिमरन मैम योर इंग्लिश टीचर. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग ऑफ फोर चैप्टर. अवर चैप्टर नेम ग्रेट पीपल एंड ग्रेट डेट्स. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ रीडिंग. नाउ वी स्टार्ट. देन वन डिसिप्ली ऑफ द गुरु आस्क्ड हिम. डिसिप्ली मतलब शिष्य. एक शिष्य ने गुरु से पूछा, व्हाई हैव यू ब्लेस द गुड पीपल टू लिव देयर विलेज एंड द बैड वॉन्ट्स टू कंटिन्यू टू लिव एट देयर प्लेसेस. आपने अच्छे लोगों को गांव छोड़ने का, मतलब अपने स्थान को छोड़ने का आशीर्वाद दिया और बुरे लोगों को वहां लगातार रहने का आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? द गुरु एक्सप्लेन. गुरु ने वर्णन किया दैट गुड पीपल आर लाइक फ्लावर. जो अच्छे लोग होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? फूल की तरह होते हैं. द मोर दे विल स्प्रेयर देयर फ्रेग्रेंस. वह जितनी दूर जाते रहेंगे वह अपनी क्या करेंगे, खुशबू वहाँ तक बिखेरेंगे, अपनी अच्छाइयों की खुशबू. वाइल द बैड पीपल, जबकि बुरे व्यक्ति शैल बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग देयर सिंस एंड वीकनेस. वीकनेस का मतलब होता है दुष्टता और सिंस का मतलब होता है पापी. जबकि बुरे व्यक्ति अपने पाप और नीचता को फैलने से रोकेंगे, मतलब वो रुक जाएंगे. अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे तो वो अपनी दुष्टता और जो नीचता है उसको फैला नहीं पाएंगे. दिस इंसिडेंट रिलेट्स टू द 18th सेंचुरी फ्रांस. ठीक है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना. यह घटना फ्रांस के 16वीं शताब्दी से संबंध रखती है. नेक्स्ट, वंस ए रॉयल कैरिज स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्कूल. ठीक है, एक बार एक राजा की गाड़ी, कैरिज का मतलब होता है गाड़ी, रॉयल का मतलब राजा या राज्य की जो गाड़ी होती है, स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ ए स्कूल, स्कूल के सामने रुकी. एज द कैरिज स्टॉप्ड, जो कि एक किसकी गाड़ी थी, द एम्पेरियर सम्राट, जो कि एक सम्राट की गाड़ी थी ऑफ द फ्रांस के फ्रांस. स्टेप्ड आउट, ही लुक्ड अराउंड एंड वेंट नियर एन ओल्ड वुमेन. उन्होंने चारों तरफ देखा, सम्राट बाहर निकले और उन्होंने चारों तरफ देखा और एक बूढ़ी औरत के पास गया, ओल्ड वुमेन के पास गया. सी वाज सेलिंग फ्लावर्स, वह क्या कर रही थी, फ्लावर्स बेच रही थी. द एम्पेरियर, एम्पेरियर का मतलब बताया था क्या होता है, सम्राट. टुक आउट ए कॉइन एंड सेड टू हर, उन्होंने एक सिक्का निकाला और कहा, किससे कहा, बूढ़ी औरत को कहा, प्लीज़ टेक इट, कृपया आप इसे ले लीजिए, आई अवन दिस मनी टू यू. उन्होंने क्या कहा, कृपया आप इसे ले लीजिए, मैंने आपसे यह धन लिया था, आई एम सॉरी, मुझे इस बात के लिए खेद है, आई कुड नॉट पे इट अर्लियर. अर्लियर का मतलब होता है पहले, कि मैं आपको ये पहले नहीं लौटा पाया, इस बात का मुझे क्या है, बहुत खेद है. आई हैड बोथ ए बकेट, बकेट का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता. ओ फ्लावर्स ऑन माई फादर्स बर्थडे फ्रॉम यू. मैंने क्या खरीदा था, गुलदस्ता खरीदा था अपने पिताजी के जन्मदिन के लिए तुम्हारे पैसों से, यानी तुमसे उधार में गुलदस्ता खरीदा था. When I was a student of this school, जब क्या था, जब मैं इस स्कूल का विद्यार्थी था, तब मैंने अपने पापा के जन्मदिन के लिए आपसे उधार में गुलदस्ता खरीदा था, तो उसकी उसने पेमेंट की थी. थैंक यू क्लास, इसी के साथ हमारा जो सेकेंड पार्ट है कंप्लीट होता है.